15 मिनट पहले शिक्षक आएंगे, 15 मिनट बाद जाएंगे। ये ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्म वाक्य। आप सब लोग आइए पटना और हम सब लोग चलिए एक नया बिहार बनाने का आगाज। कानून के राज में न्याय किसको मिलता है? गरीब को मिलता है। अमीर जो है, जो सक्षम लोग है, तो कभी भी न्याय खरीद लेता है। बीजेपी के लोग को कोई काम तो है नहीं। बीजेपी के लोग यही सब अजूल फजूल की बातें करते रहते हैं। अगर इसे ब्रह्मा विष्णु महेश को कोई इनकार नहीं कर सकता है, वैसे ही समय सारणी को कोई इनकार नहीं कर सकता है। सबके प्रति सम्मान रखिए, गरीबों को सीने से लगाइए, चाहे महादलित हो या पिछड़े हो। भाजपा में सबसे ज्यादा अगर देश में कोई आपराधिक चरित्र का अगर कोई नेता है तो बीजेपी में। आखिर नहीं मान रहे, मानना पड़ेगा। नहीं कैसे मानिए? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सदन में कहा कि विद्यालय 10 से 4 चलेगा, 15 मिनट पहले शिक्षक आएंगे, 15 मिनट बाद जाएंगे, ये ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्म वाक्य नहीं है। वो भी आपको आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे संवाद करना चाहते हैं। तो पटना आप लोग, सिवान की जनता भारी संख्या में आप सब लोग पहुंचने का वहां काम कीजिए। और हम माले के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को, CPI CPM सभी पार्टी के अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं। और सब लोगों को, आप सब लोग आइए पटना और हम सब लोग चलिए एक नया बिहार बनाने का आगाज हम लोगों ने किया है। मिल करके एक नया बिहार हम लोग मिल करके बनाने का काम करते हैं। तो आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा ना तेजस्वी? हाथ उठा करके बताइए, मिलेगा? और देखिए, हम लोग लंबी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। सब लोग मिलजुल करके रहिए, आपस का मतभेद को मिटाइए, सबके प्रति सम्मान रखिए, गरीबों को सीने से लगाइए, चाहे महादलित हो या पिछड़े हो, सब क्यों आप लोग साथ लेकर के चलने का काम कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों को हम दिल से बधाई देते हैं। आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सदन में कहा कि विद्यालय 10 से 4 चलेगा, 15 मिनट पहले शिक्षक आएंगे, 15 मिनट बाद जाएंगे, ये ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्म वाक्य। इसे ब्रह्मा विष्णु महेश को कोई इनकार नहीं कर सकता है, वैसे ही समय सारणी को कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी का सदन में दिया गया मंतव्य महत्वपूर्ण होता है। पाटा अब तक जारी नहीं किए लेटर। अरे भाई, उनका लेटर जारी करें या नहीं का जारी करें, जब विधान की बात नहीं सुन रहे। पाटक सर, डीओ की तरफ से लेटर जारी कर दिया गया,
मैं बता रहा हूँ ना, भोजपुर में भोजपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी का पत्र मेरे पास है, जो कार्रवाई हुआ उसका भी पत्र मेरे पास है, उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। जब सदन के नेता ने कह दिया तो विधायिका बड़ी होती है और कार्यपालिका को, चाहे वो मुख्य सचिव हो चाहे अपर मुख्य सचिव हो, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है उसका अनुपालन करना होगा। आखिर नहीं मान रहे, मानना पड़ेगा, नहीं कैसे मानिएगा भाई। तब तो शिक्षक लोग कहाँ जाए, शिक्षक लोग अब 10 बजे जा रहे हैं, 9:45 में नहीं नहीं। अरे हम, अरे हम बता रहे हैं, हम उसके बीच से जीत के आते हैं ना। अब 9:45 में शिक्षक जा रहे हैं, अब अपवाद को संवाद मत बनाइए। नहीं नहीं, 9:05 का टाइमिंग दिया जाता है लेटर में, वो कहा जाता है। अरे वो एक जगह एक जिले का रिपोर्टिंग है, आप बता रहे हैं भोजपुर का, सभी जिले का आठक पड़ा है, अरे बिहार का आठक पड़ा है, सीएम अभी ई तो ऐसा बात है कि जैसे चरवाहा विद्यालय में राजनीतिक ज्ञान लिए हैं भाई, तो स्वाभाविक है कि विधायिका का जो प्रधान होगा वो महत्वपूर्ण होगा। बात क्यों नहीं माना जा रहा है, बात नहीं मान रहे कैसे, बात नहीं मानिएगा कैसे। अपवाद को संवाद नहीं मानिए, एक जिले की घटना के आधार पर जब मुख्यमंत्री जी ने सदन में कह दिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो ब्रह्म वाक्य है, कोई अपर मुख्य सचिव चाहे मुख्य सचिव हो, उनके उनके जो प्रशासकीय क्षमता है उसके बाहर है, अधिसीमा के बाहर है कि मुख्यमंत्री जी का आदेश हर हालत में मानना होगा। जो मैं यहाँ आरा वाले ही ना, बिल्कुल उसको संज्ञान में लेंगे, उसको संज्ञान में लेंगे। नहीं नहीं, कार्रवाई करवाइएगा। अरे भाई, आरा में जो पत्र जारी हुआ और इसके आलोक में जो कार्रवाई हुई है, शिक्षक का जो वेतन कटा हुआ, दोनों पत्र में परिपत्र मेरे पास है, तो स्वाभाविक रूप से वह गलत है, तो जब गलत है उसका समाधान करेंगे। शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर कब जारी होगा, क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? चिंता मुक्त रहिए ना, चिंता मुक्त रहिए, जब मुख्यमंत्री जी सदन में बोल दिए तो चिंता मुक्त रहना चाहिए। लेकिन शिक्षक चिंतित है? कोई चिंतित नहीं है, लेटर जारी नहीं हो रहा। पहले और 15 मिनट बाद शिक्षकों की उपस्थिति मानी जाएगी वह बिल्कुल सत्य है। अब इसके अलावा इतर भोजपुर जिले की जो घटना की जानकारी मिली है, जो उसके अलावा शिक्षक के वेतन की कटौती का आदेश हुआ है, वह बिल्कुल ही गलत है और सरकार उसको संज्ञान में लेगी। विपक्ष के द्वारा, चूंकि उनके उनकी एक आदत में शुमार रहा है, जो शिक्षा विभाग पर के विभिन्न मामले पर सवाल उठा रहे हैं, और उनका मूल उद्देश्य दूसरा है, उनका मूल उद्देश्य है कि सदन में व्यवधान स्थापित करना, इसलिए उनको इससे कोई रुचि नहीं रही है। जब सरकार बनाने का मौका मिला था तो रामायणे पर रह गए, और जब सरकार से हटे तो व्यक्ति को केंद्रित कर रहे हैं। अरे जो आदेश मुख्यमंत्री जी का है वही मान्य होगा। माझी जी द्वारा एक नहीं, देखिए उनके अपना नीति है, अब आप इस तरह के लोगों से, अवरासिक छवि वाले लोगों से मिल रहे हैं या उनको राजनीति में एक्टिव कर रहे हैं, तो ये प्रदेश को क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ पर कानून का राजस्व शासन का राज है, इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं? और हम समझते हैं कि जनता इसको सही नहीं लेगी और जनता इनको रिजेक्ट करेगी, नकारेगी। उचित है नहीं, कभी किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जब आप यहाँ पर सुशासन की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, लोकतंत्र में सुशासन में साथ कानून के राज में न्याय किसको मिलता है? गरीब को मिलता है। अमीर जो है, जो सक्षम लोग, तो कभी भी न्याय खरीद लेता है। लेकिन जब आप आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण देंगे या उनका मनोबल बढ़ाएंगे तो जरूर है कि गरीबों के साथ न्याय इंसाफी होगा, और ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। उससे मिल रहे हैं क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी के लोग को कोई काम तो है नहीं, बीजेपी के लोग यही सब अजूल फजूल की बातें करते रहते हैं। अगर अपराधी चरित्र का बात अगर उठाइएगा तो नीचे से ऊपर तक भाजपा में सबसे ज्यादा, अगर देश में कोई आपराधिक चरित्र का अगर कोई नेता है तो बीजेपी में है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।